सिंघू बॉर्डर पर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में लखबीर सिंह की हत्या के मामले में आरोपी भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत ने शनिवार रात 9:30 बजे कुंडली थाना में आत्मसमर्पण किया था। वहीं एक अन्य आरोपी नारायण सिंह ने अमृतसर में आत्मसमर्पण किया था। तीनों आरोपी निहंगों को रविवार दोपहर को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने सभी को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केरल में बारिश कहर बनकर लोगों पर बरसी है। कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। राज्य में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। मरने वालों में 13 लोग कोट्टायम और 8 लोग इडुक्की के बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए सेना को तैनात किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए पतनमथिट्टा, कोट्टायम, एनाकुरलम, इडुक्की, त्रिशूर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रविवार को देहरादून समेत उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में रविवार को मौसम खराब रहा। वहीं मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर से 2-3 दिन तक चारधाम समेत अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दूसरी ओर खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलनरत किसान सोमवार 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेनें रोकें। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने, MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनवाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन बुलाया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा अभी भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिद्धू ने बेअदबी, ड्रग्स, शराब माफिया समेत 13 मुद्दों का जिक्र कर सोनिया से कहा है कि पंजाब सरकार से इन मुद्दों पर काम करने को कहें। इन 13 मुद्दों पर चर्चा के लिए सिद्धू ने सोनिया गांधी से समय भी मांगा है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरण कंडोलकर के सियासी बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कंडोलकर ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को देवी दुर्गा बताया है, तो राज्य की बीजेपी सरकार को भस्मासुर। उनके इस बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिनी अभ्यास वर्ग का शुभारंभ रविवार को हो गया। इसमें संघ की सभी 45 इकाइयों के प्रांत अधिकारी शामिल हो रहे हैं। 19 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर कई समितियां बनाकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रैवल, दर्शन, आवास, भोजन समेत अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे कार सेवकपुरम को सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का जो मैच होना है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर संबंध सही नहीं हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो जल्द इस बारे में फैसला करें कि देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर सूचना का अधिकार कानून लागू हो सकता है या नहीं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी विभाग को आदेश दिया था कि RTI एक्ट के तहत वो जांच एजेंसी में वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ी जानकारी जाँच एजेंसी के कर्मचारियों को मुहैया कराएं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महिपाल मदेरणा का रविवार को निधन हो गया। मदेरणा काफी लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और उनका इलाज जारी था। वो चर्चित भवरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। नर्स भवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में मदेरणा हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।